हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा न्यू व्लॉग है। बिल्कुल, जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, आपने नाम तो सुना ही होगा, अंकित सिसोदिया जी, इनकी मैंने एक और वीडियो डाल रखी है अभी कॉमेडी वाली, उसी से रिलेटेड एक और है मिमिक्री आर्टिस्ट, मतलब पूरी जो जो भी एक्टर्स होते हैं ना, सेम उनकी ही एक्टिंग करना या उनके ही डायलॉग्स यूज़ करना एंड कॉमेडी एंटरटेनमेंट करना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए यहाँ पर एक व्लॉग लेकर आई हूँ। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके एक मोटिवेशनल कमेंट से मोटिवेट भी हो सकूँ। इसलिए कमेंट भी बिल्कुल ड्रॉप कर देना। तो वीडियो एंड तक देखना गाइस, एंड में बहुत मज़ा आने वाला है एंड एक ट्विस्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली मोर देन 50 स्टार्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों की फ्रेशर पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए आए हैं। सो बस 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट में सारे 55 एक्टर्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रेडी हैं आप लोग? तो जय सर, बस नाम लेते जाइएगा, 3-4 सेकंड में हम लोग कोशिश करेंगे। सैफ अली खान। ए यार क्या बात है, अगर मुझे पता होता तो मैं करीना को लेके आता यार। वाह, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई। ऋतिक रोशन। क्या बात है, कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए और कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजकुमार। आ जानी, आ खुश रहो, आबाद रहो, यही हमारी दुआ है। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। भैया जय हो, भगवान की जय हो, भागवंती की। भैया मैं भी आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। भैया बोलते रहो, मैं तो बोलता रहूँगा। इरफान खान। क्या कर भैया, अरे काम करो, कर लो, लिख लो, बहुत बढ़िया पार्टी चल रही, चलने तो एकदम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। उत्पल दत्त। अच्छा, आप लोगों ने गोलमाल देखी है? अजय देवगन वाली नहीं, पुरानी, उसमें हीरोइन के पापा भी आए हुए हैं। मुझे बुलाया है और मुझे पता ही नहीं था। अच्छा है, अच्छा है। अमोल पालेकर। सर आप तो जानते हैं मेरा कुर्ता कितना छोटा है, लेकिन पार्टी बड़ी होनी चाहिए सर, क्या बात है। अच्छा है, बड़ा प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आए मजनू सुनी धरा दे, कितना प्यार करते हैं। हाँ कंट्रोल उदय, कंट्रोल। सनी देओल। और सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा उन लोगों से जो कुर्सी ऊपर टिककर सोने की कोशिश कर रहे थे और मेरे चिल्लाने से जाग चुके हैं। सलमान खान। उन्हें छोड़ दीजिए, बहुत देर से आ रहे हैं वो। फरहान अख्तर। बहुत इजी है, फरहान अख्तर की आवाज़ है, जिसका सर्दी में गला बैठ गया वो फरहान अख्तर। हेलो गाइस, या एक्चुअली दिस इज वेरी गुड एंड आई एम एंजॉयिंग दिस पार्टी, थैंक यू सो मच। रुको। अक्षय कुमार। बाबू भैया कमाल की बात है, करिए, डोंट एंग्री मी, मैं जो बोलता हूँ। सुनील शेट्टी। ये जो बोलता है वो करता है, लेकिन अंजलि आप सॉरी, अगर यहाँ कोई अंजलि हो तो तुम मुझे भूल जाओ, यहाँ नहीं सकता। बाबू भैया। अशोक कुमार। अब बेटे रेलगाड़ी चली छिप 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 बार खोरदार, खबरदार जो किसी ने प्राण से कहा कि प्राण जाए पर बच्चन न जाए। जीवन। आजीवन कितना उसमें को जीवन था, आन मैंने जो ओढ़ा घटाया घोड़ा कार के बाद भागा कार के स्मगल क्या है। अमरीश पुरी। अरे भाई अरे एक छोड़ दिया। गुलशन ग्रोवर। बैटमैन भी यहाँ पर आकर गुटमैन हो चुका है, क्योंकि जिंदगी का मजा तो सर के साथ पार्टी करने में है। अमजद खान। यहाँ से 50-50 क्रॉस दूर तक जब भी कहीं पर कोई प्रेशर पार्टी होती है तो हमारी पार्टी नंबर वन पर आती है। शक्ति कपूर। जिस हिसाब से आप बोले बड़ी फैन लग रही है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर आए थे अपनी दोस्त के साथ, पर उनकी हरकतों के कारण वो नाराज होकर चली गई। अब शक्ति कपूर आओ आज के यहाँ, आया तेरी आंखें झुके झुके, आया तेरा चेहरा खिला खिला, आया तेरी आंखें झुके झुके, तेरा चेहरा खिला खिला, एक हाथ मारा तेरे चेहरे पे तो आधा किलो फेरेंट लवली मिला। आओ। संजीव कुमार। रवि। अब और फास्ट करेंगे हम इसको। रवि। अगर तूने मेरे हाथ नहीं काटे होने। धर्मेंद्र।
मैं कसम खूब जमेगा रंग जमिल बैठेंगे तीन यार आप ये बोले तो पार्टी किधर है बाबा संजय दत्त अरे बोले तो पहले साईं बाबा बाबा के बड़े फैन है और मेरी तरफ से सबको अर्शद वारसी बोले तो भाई ने बोले तो मजा आ गया कमाल की पार्टी बनी तो मजा आ गया भाई देवानंद देव साहब बहुत सिंपल है देव साहब के बारे में मैंने दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व की हैं पहला कि देव साहब भगवान से दो तीन दिन ही छोटे थे और दूसरा पता नहीं देव साहब ने उनके बचपन में खट्टा खाया था या मीठा खाया था मैंने जब भी देव साहब को देखा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रहे हैं सब तो तने मालूम किसी ने बिठार पर दूँ मैं वो ऊपर बना हूँ जो वही मैं ब्लॉगर शशि कपूर भाई कमाल की बात करनी है आ बोलती ना बोलती पता नहीं क्या बोलती मेरे भाई साइन कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा हाँ हाँ चलिंग तो हाँ ये तो बहुत सिंपल है मैं सोनाक्षी के पाप क्या पाप है मिथुन चक्रवर्ती ये घर प्यार का मंदिर है आशा के जाति जलते हैं और इस शाम के लिए क्या बात और अजय देवगन कुछ नहीं करना उनकी मिमिक्री में बहुत सिंपल है ऐसे आओ और बस और उसके बाद फिर उनका डायलॉग आता है झूठ बर्दाश्त रहिए अरे झूठ बर्दाश्त रहिए हर वो लोग बर्दाश्त रहिए जो बीबल और राष्ट्रीय को मिलाकर साथ में खाते हैं हथाबाजी से तकली एक ही अंगल यहाँ उनकी जरूरत ही नहीं क्योंकि सब लोग एंजॉय करें एक ही एंगल बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो मजे पूरे लेते हैं लेकिन ताली नहीं बजाते तो वो बोलते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई अनिल कपूर लिटिल बिट टेक्निकल अरे थैंक यू अनिल कपूर टेक्निकल है अनिल कपूर बोले तो एकदम झकास ऊपर से नीचे तक बाल कलाकार जगदीप अरे भैया कमाल की बातें कर रही हो सोरमा भोपाली है अमिताभ बच्चन नमस्कार देव और सज्जन स्वागत है आप सभी का शानदार से प्रेशर पार्टी में जहाँ पर देखिए भाई साहब जो है थोड़ा कर्म कीजिए भाई साहब लेते रहिए आमिर खान उतरी और आमिर खान काफी जल्दी नाम ले लिया जब से लाल सिंह चड्ढा गए मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ थैंक यू शाहरुख खान की मिमिक्री बहुत सिंपल है सीजन अच्छा है कुछ नहीं करना है रात को अपने छत पर जाइए बिना ब्लैंकेट बिना स्वेटर बिना कोट और एक आसन में खड़े हो जाइए ऐसे 5 मिनट बाद शाहरुख खान की सवारी खुद आएगी आप ऐसे करो 5 मिनट बाद ठंड लग रही है भैया कोई खम्बा ला दो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और हमारी तरफ से बधाइयां फिरोज खान रेशमा क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो लगता है राखी सावंत के ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही हो अभी हम जिंदा हैं कमाल की बातें करते हैं साहब मैं खाना खा सकता हूँ लेकिन मुझे सुनाना नहीं आता प्रेम चोपड़ा राधा रानी है भैंस भी पूछ उठाएगी दूबरी करेगी गाना नहीं गाएगी जॉनी लीवर बाबा कमाल की बात ही करती बाबा मेरे जुड़े जुड़े वैसे बाबा राजेश खन्ना अरे पुष्पा जब सर्दी होती है ना तो आंसू आंख से नहीं नाक से बहते राजपाल यादव मां कसम मेरे रंगीले रतन मेरे जिगर छल्ले आज तो पार्टी कट डालेंगे नाच नाच के डीजे के तो डालेंगे भैया मुझे ला दिया यहाँ पर इमरान हाशमी मत बोलिए खाना करने फैमिली प्रोग्राम लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो इमरान हाशमी तो इससे तो मैंने उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी है थैंक यू 50 हो गए इधर पूरे और अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट कुछ और सुनाऊं अगर यस सर थैंक यू कैसा है मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जैसे हम लोग अपन सब लोग बाइक चलाते हैं तो आप लोगों को पता है कि इंदौर में अपन कहीं भी चले जाएँ किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर चले जाएँ तो जो बाइक्स होती है ना अपनी कंपनी का नाम खुद लेती है कितने मेरे भाई लोग हैं जो होंडा चलाते हैं ठीक है अब होंडा अगर आप यहाँ खड़े हैं सामने से निकल जाती तो होंडा की आवाज़ आती है
पूछा था यामा, यामा थोड़ी सी बिगड़ेल होती है, उसमें किक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हल्का सा धक्का तो शुरू हो जाती है, उसके इंजन में से आवाज आती है यामा यामा। यामा की बताती सुजुकी, जिसको मैं बोलता हूँ आलोकनाथ की बहू है, भयंकर आज्ञाकारी, जैसे ही सुजुकी सामने से पास होती थी आवाज आती है और आखिरी आती बुलेट। बुलेट जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी है और बहुत ज्यादा अभी परेशानी भी है, प्यार इसलिए क्योंकि वो बुलेट है, नाराजगी इसलिए क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट होती है, उसी से नाराजगी है क्योंकि आजकल उस सेल्फ स्टार्ट के चक्कर में वो छोरे भी बुलेट चला रहे जिनको लू नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। मतलब बुलेट पहले आती थी यार, जिसमें मतलब चाबी लगाओ मीटर आता था तब जाके किक मारते थे तब जाके बुलेट स्टार्ट होती थी, और बुलेट का इतिहास रहा है कि बुलेट कभी भी पहली किक में स्टार्ट नहीं होती है, हमारे आदमी बुलेट लाता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब उसके बाद आदमी बुलेट को स्टैंड पे लगा देता है और खड़े होकर जेब में हाथ डालता है, जेब में हाथ डालने के बाद एक चमत्कारी पुड़िया बाहर निकालता है जिसको बोलते हैं गुटखा, और जैसे ही वो निकाल के उसका छोटा सा डोज मुंह में रखता है उसमें अद्भुत ईश्वरी शक्ति का संचार होता है, उसमें तर्राटी आ जाती है और पहली किक में बुलेट स्टार्ट होती है, आवाज आती है थैंक यू सो मच। तो गाइस देखा ना आपने कितना एंटरटेनिंग एंड कॉमेडी था, तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस अगेन मैं रिमाइंड कर दूँ, एक मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए डेली बेसिस पे। तो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ के।